ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੈਰ ਫਕੀਰ ਪਾਏ ਰੋਟੀ। मॉर्निंग दोस्तों, आज के दिन में आपका स्वागत है। हम आपका वेट नहीं, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फिर हम आपको लेके चलेंगे घूमने। ये बहुत सारे दिख रहे हैं ना पीछे, इनमें एक चीज मिसिंग है, तो सोच रहा हूँ वो भी कम्प्लीट कर ही लेते हैं। और ठंड है बहुत ज्यादा, जाती जाती ठंड बहुत ज्यादा ठंड है, तो मैंने तो डाल लिए बहुत सारे कपड़े और चले हैं पहाड़ों की ऊंचाइयों पे। बहुत ही अच्छी जगह चले हैं, मनाली के कुछ पास है पहले ही बता देता हूँ, लेकिन बहुत ही औसम प्लेस है। भगवान जी को हमने मत्था टेक लिया, अब हम निकलेंगे अपनी राइड पे। ज्यादा बोले आपको चीजें दिखाते हैं ज्यादा, और हमारे दोस्त से मिल लीजिए। ये आपका होस्ट अमर आशीष अरोड़ा और मेरा दोस्त दोरा, हमें लेके जा रहा है मनाली, और टूर भी यही स्पॉन्सर करते हैं। भाई चलते हैं अब घूमने, बाकी चीजें बाद में, चलो निकलते हैं यहाँ से। तो भाई लोग, बाइक हो चुकी है हमारी तैयार और हम निकल रहे हैं अपनी जर्नी की ओर। बैग हमने टाई कर लिया बंजी रोप से और टाइम हो चुका है सुबह के 5:51। चलो निकलते हैं, लेट्स मूव। सो भाई लोग, हम पहुंच चुके हैं एक ढाबे पे। ब्रेक बहुत ही जल्दी हो गई है क्योंकि सुसु ब्रेक आ गई है यहाँ पे। सर जी कह रहे हैं पहले विसर्जन कर ले फिर निकलते हैं, तो लेट हो चुके हैं थोड़ा सा हम, लेकिन मज़ा आ रहा है। 80-90 की राइड स्पीड में जा रहे हैं। ये रहे हमारे कुछ राइडर्स, और अब हम चलेंगे सीधे मनाली की तरफ और रुकते हैं कहीं ब्रेकफास्ट ब्रेक पे। चलो निकलते हैं भाई लोग। भाई लोग, कंटिन्यूस ड्राइव करके 131 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं चंडीगढ़ से। तो टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और हम पहुंच गए हैं बिलासपुर। तो ये लोग मेरे दोस्त ठंड में झिझुड़ रहे हैं, और ये लोग अभी हेलमेट भी नहीं उतारे करे, 2 मिनट पहले ना गर्मी का एहसास ले लें फिर चलते हैं। और धूप बहुत अच्छी आ गई है, भगवान हमारी साथ है। और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। ये रही जगह जहाँ पे हम करेंगे, द लेक व्यू नाम से कोई रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे, बाकियों से मिलवाता हूँ। चलो चलते हैं। okay. प्यारी प्यारी बाइक्स, मिटियोर, देन होंडा हाइनेस, होंडा हाइनेस, होंडा सीबी, देन रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर। तो आज हमारा ग्रुप मिक्सचर बन गया है, लेकिन सब अच्छे लोग आए हैं तो मस्त है। हम यहाँ से जाएंगे मनाली की तरफ। मनाली को मेरे को लगता है कि 4-5 घंटे में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हार्डली कुल्लू 139 किलोमीटर रह गया और आगे 30-40 और होगा, लेकिन रोड कंडीशन थोड़ी ख़राब है, माइट भी थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, बट लगता है कि तब भी 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। तो निकलेंगे यहाँ से, तो खाना हो चुका है, अब तो लंच वहाँ जाके ही होगा। तो रस्ते के कुछ अच्छे नज़ारे, और मेरे साथ मेरे दोस्तों को मिलिए। ये रहे अपने सुखिंदर भाजी, आज पूरी नौजवानों वाली फील लेके सर ने पूरी बाइक दौड़ाई है आज, तो हमारे से भी आगे बढ़िया, आज तो राइड पूरी मस्त चल रही है। तो बस अब हम पहुंच जाएंगे 3-4 बजे तक, फिर आपको दिखाते हैं रास्ते के नज़ारे। चलो चलते हैं। यार पहाड़ों का ना मजा लेने में मजा है, और उस चक्कर में ना थोड़ी सी व्लॉगिंग रास्ते की रह जाती है हमेशा। तो ये पहाड़ जो है ना, ये बड़ा मतलब इंजॉइंग लगता है यार यहाँ पे घूमना। दिल करता है सब दूर छोड़ फाड़ के यहाँ पे रह ले यार, क्या है सारा दिन भगदड़ बड़ा अच्छी लाइफ है चंडीगढ़ की भी, लेकिन जो यहाँ पे इंजॉय ना, ये देखो यार कितनी सुंदर नदी बह रही है, साइड में बंदा खाना खा रहा है और बैठा रहे सारा दिन यहाँ पे। लेकिन लाइफ ऐसे नहीं चलती, जिंदगी में मजे और काम दोनों साथ साथ हैं, तो वो तो चलता रहेगा। तो भाई लोग, हम कर चुके हैं सुंदरनगर क्रॉस, और वादियाँ दिखने लग पड़ी है, बहुत ही सुंदर वादियाँ यहाँ से दिखने लग पड़ी मनाली की। और ये हमारे राइडर्स सारे स्पीड से, अच्छी स्पीड से निकल रहे हैं आज, और बस हमें लग रहा है कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे। बहुत ही इंजॉयबल है, वेदर बहुत अच्छा है, और सुंदरनगर सच्ची बहुत सुंदर है। तो ये रही हमारी सुंदर सुंदर बाइक्स, और ये रहे हमारे सुंदर सुंदर राइडर्स। बस अब हम निकलेंगे यहाँ से और मनाली की तरफ चलेंगे। चलो देखते हैं आगे।
भाई लोग ये देखो कैसा टोया है इन्होंने पाटा है, ना टापर आता है ना लांगा जाता है। आवाज पूरी आता है कि नहीं आता है? सब आता है, ये खड़े हैं सब भाई लोग। अब यहाँ पे वेट करेंगे हम लोग, ये जीसी भाई निकालेगा। भाई हमें जाने देना, हमें जल्दी पहुँचना है, हमारे फुटलूस भाई वेट कर रहे हैं। आ गया आ गया। तो भाई लोग हम पहुँच चुके हैं कुल्लू एयरपोर्ट के बाहर। तो हमारे कुछ दोस्त लापता हो गए हैं, वो लोग मंडी से लेफ्ट मुड़ गए थे और हम लोग मुड़ गए थे राइट। तो दोनों दो दो जने अलग अलग हो गए हैं। तो अब हमको पता तो लग गया था थोड़ी देर बाद कि यार कुछ तो डिफरेंस है कि इतनी देर हो गई वो आ नहीं रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, ये देखो आपके पीछे कुल्लू एयरपोर्ट का बोर्ड दिख रहा होगा, लेकिन वो लोग अभी पहुंचे हैं बंजोरा है शायद कोई जगह, बंजारा नहीं कुछ और जगह है। तो 3-4 किलोमीटर है यहाँ से, तो 10 मिनट में वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। रोड बहुत ख़राब थी जो ये वाली थी जहाँ से हम आए हैं, बट स्टिल थोड़ा एक्सपीडिशन सा हो गया लेकिन इंजॉयफुल रहा। तो हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट कुल्लू, 2-4 किलोमीटर होंगे ऊपर नीचे। तो मेरे को लग रहा है कि हम पहुंच ही जाएंगे। कितने बजे हैं? 3 बज चुके हैं, मतलब 3 बजने वाले ही हैं ऑलमोस्ट, 2-2.5 बजे के बीच में बजे हुए हैं। तो पहुंच जाएंगे 3 बजे तक अपनी डेस्टिनेशन पे। पहले कुछ खाएंगे फिर निकलेंगे उसकी तरफ। और धूप बहुत अच्छी है यार, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, और होंडा की राइड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, और इतना चलाया कुछ थकावट नहीं हुई है। चलो निकलते हैं यहाँ से, फिर अच्छी जगह चलते हैं, फिर आपको मिलाते हैं। तो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं वादियों में, बस पहुंचने ही वाले हैं मनाली, उससे पहले कहीं रुक गए हैं बहुत ही सुंदर जगह पे। आप लोग व्यू का आनंद, तब तक मैं खाता हूं कुछ मैगी। तो भाई लोग नज़ारे लेते हुए हम पहुंचने वाले हैं मनाली। और ये देख रहे हो, जूम करके दिखा रहा हूँ भाई, बहुत सुंदर पहाड़ियाँ हैं। भाई कहते हैं जन्नत का रास्ता इजी नहीं होता, तो यहाँ का भी रास्ता इजी नहीं है, है ये भी जन्नत से कम नहीं, लेकिन मजा आ रहा है यहाँ पे भी। जन्नत तो देख नहीं पाएंगे लेकिन ये पक्का देख पाएंगे। चलो चलते हैं मेरे साथ। ये है रास्ता भाई लोग, बहुत स्लिपरी है, और ये रही स्नोफॉल हुई हुई। इस रास्तों से जाके हमारा होटल है। सुखिंदर जी पहुंच रहे हैं और ये रहा अंकित। जाते हुए तो तब भी इजी लग रहा है, नीचे जाना आएंगे, आएंगे कैसे, आएंगे कैसे, यही देखते हैं। तो धीरे धीरे चलते हैं, ऐसा ना हो वीडियो बनाने के चक्कर में मैं जन्नत पहुंच जाऊं। तो मिलते हैं नीचे जाके, एक बार चलते हैं फुटलूज कैंप। तो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, ये खड़े हैं सर यहाँ पे। सर कितने का दिया कमरा? ये भी हमारे साथ ही आए हैं। तो ये रहा एक रूम, ये 4 डोरमेट्री वाला, और ये रहा 2 वाला, 2 डोरमेट्री वाला, डूडो वाला। तो हम लोग थे 6 जने, और बहुत ही सुंदर जगह है ये देखो यार, साइकिलिंग वगैरह सब कुछ, बड़ा ऑसम जगह है यार, वर्क स्टेशन है ना, बड़ी नाइस लोकेशन लग रही है, अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे, और रूम्स बहुत सुंदर हैं, साफ सुथरे हैं। ये देखो भाई का साइकिल एंड ऑल स्टफ। तो भाई अभी मिलेंगे, मिले थे हमें ऊपर, तो भाई से मिलते हैं और तब तक चेंज करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलो चलते हैं। भाई लोग तो हो चुके हैं तैयार, बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। एक एक करके कपड़े, 1 लेयर 2 लेयर नीचे 3, और ये 4th लेयर डाली है। टेम्परेचर बहुत कम है और ठंड बहुत ज़्यादा है। रूम बहुत सुंदर है और हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय। बस भाई थोड़ी देर में आने वाला है, वाईफाई यहाँ ख़राब है तो पोस्ट तो नहीं डल पाएगी मेरे को लग रहा है,
तो थोड़ी देर में यहाँ से नीचे स्नैक्स और बोन फायर करने जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है। और बाकी लोग अभी कर रहे हैं तैयारी शाम की नज़ारे लेने की, तो आप भी तब तक नज़ारे लो और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ नीचे बन रहा है। मौसम बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है और हल्की हल्की स्नोफॉल हुई हुई है और सामने पहाड़ियाँ इतनी सुंदर लग रही है, मैं आपको पहाड़ियाँ दिखाता हूँ, चलो चलते हैं मैं सब। तो भाई लोग ये देखो कितने नज़ारे वाली है, और यहाँ पर पड़ी है बर्फ बहुत प्यारी प्यारी, और ये है हमारे खाने पीने का इंतज़ाम, और ये लगाई है भाई ने बड़ी सूथिंग सी लाइटें, और ये वाईफाई चल नहीं रहा भाई, बी ब्रेव। ਜਿੰਨਾ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਲੈਂਦੀ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਏ ਰੋਟੀ ਉਨੀ ਖਾਈ ਮਾਨਾ ਜਿੰਨੀ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਏ ਰੋਟੀ ਕਾਹਦੀ ਜੇ ਹਜਮ ਨਾ ਆਈ ਰੋਟੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੈਰ ਫਕੀਰ ਪਾਏ ਰੋਟੀ ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ तो भाई लोग यहाँ चल रही है कैंपिंग, अच्छी वाली मजे चल रहे हैं, और टाइम हो गया रात के 10:30, और खाना खाने की कोई उम्मीद नहीं लग रही इन लोगों की। और देव भाई सुन रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है, मैं देखूँ ना सही है क्या बोलता है ना भाई, है ना। और बड़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह यहाँ पे हो रही है और बोन फायर में मजे इंजॉय पूरे चल रहे हैं। और राजू भाई और ये जम्बो बैठा है हमारा भाई, सब लोग तारीफ कर रहे हैं खाने की। खाना कैसा था लीगल साहब? देखो कह रहे हैं कि बहुत ही टेस्टी है, कैसा था? बहुत ऑसम फूड, राइस और पनीर, वेरी घर जैसा था बिल्कुल खाना, बहुत अच्छा लगा। मतलब अंकित स्टिल ईटिंग, मतलब खाना अच्छा है, सब लगे हुए हैं खाने, तो खाना बहुत ही अच्छा है। एक झलक आपको दिखाते हैं, थिंग्स आर ओवर ऑलमोस्ट, तो तभी ओवर होती है जब खाना टेस्टी होता है। तो खाना भी अच्छा है, तो भाई दोबारा आने वाली बात बन गई है कि रास्ता भी अच्छा, खाना भी अच्छा, बंदा भी अच्छा जिसके पास आए, और रूम्स भी अच्छे हैं, हाइजीन सब कुछ ठीक है। तो चलते हैं मेरे साथ, और अब हम सोएंगे और सुबह मिलते हैं फिर आपको।